माननीय उपसभापति महोदय, भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य मार्गों और आंतरिक सड़कों पर दिन प्रतिदिन दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। कोरोना के महामारी के बाद अधिक संख्या में लोग हार्ट अटैक और अन्य बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं और उनके इलाज के लिए ब्लड की आवश्यकता बढ़ रही है। वर्तमान में पूरे भारत में 4,137 ब्लड बैंक कार्यरत है। गुजरात में 181 ब्लड बैंक कार्यरत है। इन ब्लड बैंकों में सरकार संचालित हॉस्पिटल, रेड क्रॉस सोसाइटी, सार्वजनिक चैरिटेबल ट्रस्ट और विभिन्न हॉस्पिटलों में संलग्न ब्लड बैंक शामिल है। WHO की गाइडलाइन के मुताबिक हर जिले में कम से कम एक ब्लड बैंक होना जरूरी है। सरकार को ये ब्लड बैंक को चलाने के लिए आवश्यक सभी उपकरणों, सुविधाओं उपलब्ध करनी चाहिए। वन क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, आंतरिक क्षेत्रों में ब्लड नहीं मिलने के कारण कई बार कठिनाई उत्पन्न होती है, जिससे दर्दियों की मौत भी हो जाती है। सरकार के द्वारा स्वैच्छिक ब्लड डोनेशन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं, विज्ञापनों और अन्य माध्यम से जन जागरूकता बढ़े, उस दिशा में काम करना चाहिए। दर्दियों को बीमारी के समय उनके निवास स्थान के नजदीक के हॉस्पिटल में गुणवत्तापूर्ण ब्लड मिले, उसका आयोजन भी करना चाहिए। लोगों में ब्लड डोनेशन की भावना बढ़े, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों को आवश्यक आयोजन करना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लोग ब्लड डोनेट करें। इन ब्लड बैंकों को आवश्यक आर्थिक सहायता मिल पाए, उसके दिशा में सरकार को प्रयास करना चाहिए।